कोच हमेशा ही हम लोग को मोटिवेट कर रहे हैं कि जो पास्ट में हुआ सब भूल जाओ, जो भी मैच हम लोग का गलती हुआ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उससे वापस आने के लिए, ओवरकम करने के लिए। और कोच हमेशा ही मोटिवेट कर रहे हैं कि एज ए टीम खेलो और लास्ट मोमेंट तक कोशिश करते रहो जो भी सिचुएशन हो गेम के। होपफुली हम लोग वापस आ रहे हैं, लास्ट मैच में हम लोग ड्रॉप किया, वन गोल डाउन होने के बाद भी हम लोग वापस आया। अभी टीम का स्पिरिट बहुत अच्छा है और लगता है कि आगे भी जाके हम लोग यही फाइटिंग स्पिरिट दिखाएंगे और मैच जीतने की कोशिश करेंगे। सो होप फॉर द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा एफसी गोवा जैसा अच्छे टीम के अगेंस्ट गोल करना, और वो मोमेंट में हम लोग 2-0 डाउन था और जब मैंने गोल किया उसके बाद हम लोग फिर सौभिक दाने भी गोल किया, तो वो मैच में वापस आने का एक चांस था। वो मोमेंट में बहुत ही अच्छा सिचुएशन बन गया था, लेकिन एट लास्ट हम लोग मैच जीत नहीं पाए। बट गोल हमेशा ही अच्छा होता है, अच्छा बहुत अच्छा फीलिंग होता है कोई भी प्लेयर के लिए। सभी चाहता है कि लाइफ में वो लोग कभी ना कभी गोल करें, वो डिफेंडर हो या स्ट्राइकर तो हमेशा ही चाहता है, लेकिन एज ए डिफेंडर बहुत अच्छा लगा मैंने गोल किया। ये मेरा ISL का सेकेंड गोल था। हाँ, लास्ट तीन मैच में हम लोग ने कुछ गोल कंसिड किए। मोस्टली मैं बोलूँगा कि हम लोगों का इंडिविजुअल मिस्टेक से ही गोल कंसिड किए। नॉर्थ ईस्ट के अगेंस्ट हम लोग का दो मिस पास से दो गोल हो गया, लेकिन ये हो जाता है, टीम है। सो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको ओवरकम करें एज ए टीम, एंड कोच भी हम लोग का मीटिंग में जो भी फॉल्ट हुआ वो भी पॉइंट आउट कर रहे हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हम लोग जैसा पहले हम लोग स्टार्ट किया क्लीन शीट के साथ वो फॉर्म में वापस आ जाए जल्दी। एंड होपफुली अभी हम लोग का सब प्लेयर भी फिटनेस में टॉप में है, मतलब जो इंजरीज थे वो हम लोगों ने ओवरकम किए, तो होपफुली हम लोग अच्छे रिजल्ट जल्दी मिलना स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली सुगो एक बहुत अच्छा प्लेयर है। लास्ट जैसे मैंने आपने बोला कि लास्ट सीजन ATK के अगेंस्ट उसने हैट्रिक किया था, और इस सीजन स्टार्टिंग में कुछ इंजरी प्रॉब्लम्स थे सुगो का, लेकिन अभी वो ओवरकम कर लिया है और वो वापस आ रहा है अपने फिटनेस में। एंड कि होपफुली कि हम लोग उसकी बेस्ट जो फॉर्म है वो वापस जल्दी मिलेगा, और होपफुली कि हम लोग का नेक्स्ट मैच में ही मिलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है सच्ची में कि मैं कलकत्ता से हूँ, लोकल बॉय, और हमेशा मेरा ड्रीम रहा है कि बचपन में मेरा हमेशा ही ड्रीम था कि सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेलूँ, बड़ा मैच खेलूँ और पैक्ड अप स्टेडियम हो। तो हमेशा मैं जब भी मौका मिला इधर आने के लिए खेलने के लिए बहुत अच्छा लगता है, और होपफुली फैमिली भी आएंगे। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा।